भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसकी पहली सूची जारी कर दी गई है जी, लेकिन कांग्रेस द्वारा अभी तक कोई भी उनके प्रत्याशियों की सूची देखने को नहीं मिली है जी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की सूची कितने दिनों में आएगी और किन किन विधायकों का नाम इस लिस्ट से कट सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की सूची अब तक नहीं आ पाई है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कब तक आएगी ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन क्यों नहीं आई है ये चीज़ें हम जान सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई है। अगर अभी से कांग्रेस अपनी कोई भी लिस्ट जारी करती है, उस स्थिति में कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग बागी हो जाएं, क्योंकि एक बार जब पार्टी सत्ता में रह चुकी है तो अब हर सीट में दावेदारों की लंबी सूची देखने को मिल रही है। जैसा कि बसना विधानसभा है, बसना विधानसभा में ही आप देख लीजिए कि जहां पहले राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के अलावा पिछले चुनाव में केवल एक नाम श्रीमती उषा पटेल जी का देखने में आ रहा था, कांग्रेस से दावा यहां प्रस्तुत कर रही थी, इस बार लगभग 14 लोगों ने बसना की विधानसभा सीट से दावेदारी की है। वैसे ही कमोबेश लगभग हर सीट में दावेदारों की स्थिति है। यहाँ तक कि TS बाबा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट से लगभग 100 लोगों ने दावेदारी की है। इस स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी इतने जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है और आचार संहिता लगने के बाद चुनाव होने में बहुत कम समय रहता है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल का डर होगा, किसी प्रकार से कांग्रेस शायद ही डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों का की लिस्ट जारी नहीं की है। अच्छा, क्या लगता है आपको किन किन वर्तमान विधायकों का नाम कट सकता है टिकट से? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसे विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है जिनका टिकट कटे, क्योंकि जब आप अनपेक्षित परिणाम हासिल कर लेते हैं तब भी आपके लिए परिणाम को संभाल पाना मुश्किल रहता है। अब कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में आई थी तो कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ निगम मंडल आयोग आदि में बड़ी संख्या में अपने विधायकों को स्थान दिया है। इसके अलावा जो जैसे मंडी अध्यक्ष हो गया या जनपद अध्यक्ष हो गया, मंडी के समिति के सदस्य हो गए, सहकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, बहुत सारी जगहों पे अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करके संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य और पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। अब भावी समय में टिकट की जिनको आज निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वर्तमान विधायकों के साथ वो लोग भी विधायक की सीट की दौड़ में कहीं ना कहीं से लगे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी अपेक्षा है कि हमको टिकट मिलनी चाहिए। इस स्थिति में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि बसना विधानसभा में तो पार्टी को चेहरा नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी की तुलना में राजा देवेंद्र बहादुर सिंह बहुत मजबूत कांग्रेस के दावेदार हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक OBC और सामान्य वर्ग में है, वहीं कांग्रेस का वोट बैंक अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के बीच में है। एक समीकरण के अनुसार कहा जाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की वोटों की गिनती बसना विधानसभा में 1 से शुरू होती है, वहीं कांग्रेस के राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के वोटों की गिनती 40,000 से शुरू होती है। अब कमोबेश अगर ऐसा ही देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस स्तर पे विरोध प्रदर्शन स्थानीय विधायकों के हैं, जैसे सरायपाली में आज के समय में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 गुटों में बढ़ गई है, एक संगठन की तरफ है, एक राजमान की तरफ है और एक विधायक किस्मतलाल नंद जी के साथ में है। अब जब इसमें अभी जब जनपद का अविश्वास प्रस्ताव आया था, जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इस समय कांग्रेस के दो धड़े भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो जनपद अध्यक्ष हैं उनके समर्थन में थे। कांग्रेस का एक जो विधायक समर्थी धड़ है या हिस्सा है, वही केवल उनके विपक्ष में था। तो मुझे लगता है किस्मतलाल नंद जी का जो विरोध हो रहा है तो किस्मतलाल नंद जी की भी टिकट सरायपाली से कट सकती है। अब रही बात विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी की, तो विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी के पीछे संगठन का बहुत काफ़ी विरोध लगता है। महासमुंद अगर आप जाएंगे, जैसे सर्वे वगैरह के सिलसिले में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे संगठन के लोग और पार्टी के लोग बहुत अधिक खुलकर उनके पक्ष में बोलते हुए नहीं दिख रहे थे। और साथ ही रश्मि चंद्राकर जी जिलाध्यक्ष भी हैं, अग्नि चंद्राकर जी पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं,
इनकी इनके बहुत अच्छे मुझे लगता है प्रतिशत है टिकट मिलने के, क्योंकि अग्नि चंद्राकर जी बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं। चंद्राकर समाज के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के भी न्यूट्रल कार्यकर्ताओं और वोटरों में आप देखते हैं तो उनका विरोध भले अपने नेताओं से अपने पार्टी के प्रतिनिधियों से हो जाता है, लेकिन अग्नि चंद्राकर जी के साथ किसी तरह की विरोध की स्थिति नहीं रहती है। अब अगर हम बात करें रायपुर, अगर हम जाएं राजधानी के अगर चारों सीटों में हम बात करें तो मुझे लगता है कि पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय जी की टिकट कटना बहुत मुश्किल है। उनकी टिकट क्योंकि 5 साल उनकी सक्रियता रही है आम जनों के बीच में, चाहे वो बल्कि कई मुद्दों पे वे अपने पार्टी के विरुद्ध जाके भी उन्होंने जनसामान्य का समर्थन जुटाया है, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा की सभा हो या पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आने का हो। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता जाने से परहेज कर रहे थे, लेकिन विकास उपाध्याय जी न केवल उन कार्यक्रमों में गए बल्कि कार्यक्रम में पूरे समय उपस्थित रह के जन सामान्य के साथ उन्होंने चर्चा परिचर्चा भी की और उन्होंने लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया कि जहाँ कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी माना जाता है या सनातन विरोधी माना जाता है, या एक तरीके से जहाँ ये माना जाता है कि सेकुलर छवि है कांग्रेस पार्टी की, उसके विपरीत जाके उन्होंने अपने आप को एक सनातन धर्म का अनुयायी होने का दिखाने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं उत्तर सीट में, तो उत्तर सीट में देखिए कई तरह के समीकरण है, जैसे विधायक कुलदीप जुनेजा की सक्रियता को लेकर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगता रहा है कि उनकी सक्रियता एक सामान्य जन के तौर पे तो बहुत अच्छी रहती है, स्कूटी में घूमते हैं शंकर नगर चौक में और देवेंद्र नगर का जो चौक है मेडिकल कॉलेज के पास वाला, दोनों चौक पे उनकी बैठकी है, सामान्य भाषा में हम कहें बैठकी है, वहाँ वो जन सामान्य से मिलते हैं, लोगों से नमस्कार चमत्कार करते हैं। लेकिन एक विधायक को जिस प्रकार से विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक रूप से और अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं को सुलझाने में जिस प्रकार की सक्रियता होनी चाहिए, वैसी सक्रियता उनकी देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे नया नाम आ रहा है रायपुर उत्तर में, एक नया नाम जो सुनने को आ रहा है वो है अजीत कुकरेजा जी। पिछले चुनाव में भी उत्तर विधानसभा से टिकट चाहते थे, सिंधी समाज से आते हैं और अगर पार्टीगत सक्रियता देखा जाए तो पार्टीगत सक्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से सिंधी समाज, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से सिंधी समाज को टिकट नहीं दिया तो हो सकता है कि सिंधी समाज का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में जाए, लेकिन उनकी छवि के विषय में चर्चा करने पे कहा जाता है कि जो रायपुर के मेयर हैं उनके साथ में उनके समीकरण नहीं बैठते हैं, इसके अलावा लोगों के साथ में उनके रूखे व्यवहार की चर्चा भी सुनने में आती है। कुल मिला के जो सर्वे हमने किया है और क्षेत्र में लोगों से रायपुर उत्तर में बात की है तो बहुत अधिक जिताऊ प्रत्याशी के रूप में अजीत कुकरेजा जी का नाम नहीं आया है। हाँ, लेकिन एक समीकरण और बन सकता है कि कुलदीप जुनेजा जी काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं, उनके अंतिम चुनाव के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी इसको प्रचारित करती है, अगर कुलदीप जुनेजा जी अंतिम चुनाव के रूप में लोगों के बीच जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन ये सहानुभूति चुनाव जिताने में कितनी सहायक होगी ये देखने वाला विषय होगा। अच्छा, अगर हम प्रत्याशियों की बात छोड़ दें तो पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ कितना विकास दिखाई देता है, लोग वोट करेगी उनके कार्यकाल पर? देखिए, विकास की चर्चा अगर हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जो हमको देखने को मिलता है कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश में पिछले 5 सालों में विकास के विषय को मुद्दा बनाकर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस के अगर मुख्य मुद्दे आप देखते हैं तो कांग्रेस उन मुद्दों पर राजनीति कर रही है जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ताकत हुआ करते थे, जैसे गाय, गोबर, राम मंदिर और भगवान राम का ननिहाल, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, रोका छेका और आपका जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अलावा जो एक प्रमुख विषय है वो है राम मंदिर का, चाहे वो माता कौशल्या मंदिर का हो, माता के मंदिर के निर्माण का हो चंदखुरी में, या राम वन पद गमन की बात हो, या कृष्ण कुंज कृष्ण वाटिका बनाने की बात हो, कांग्रेस ने विकास के मुद्दों से इतर जो भारतीय जनता पार्टी के मेन मुद्दे हुआ करते थे
उन जैसे गाय की सेवा, इन्होंने गौठान बना दिए, इन्होंने गोबर खरीदना शुरू कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने कभी भी सड़क निर्माण, पुल निर्माण, या अगर कहा जाए शासकीय भवनों का उन्नयन, या गांव में जो विकास कार्य होते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर इन्होंने कभी बात नहीं की है। अब अगर हम आते हैं, देखिए जैसे इनका अगर प्रमुख, आप आज के समय में जितनी भी टीवी डिबेट में जाते हैं, जो इनका रोका छे, इनका जो भेंटघाट कार्यक्रम हुआ है भूपेश बघेल जी का, उन कार्यक्रमों में भी आप जाएंगे तो कहीं भी विकास कोई मुद्दा नहीं रहा है। अच्छा, तो जैसे कर्ज माफी था एक मुद्दा था, और किसानों को जैसे अभी कांग्रेस सरकार 2800 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा कर रही है, क्या ये सब सक्षम होंगे कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। विपक्ष कितने अच्छे से इन सारे मुद्दों की असफलता को जन सामान्य के बीच में लेके जा सकता है, इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कितना सफल हो सकती है इस मुद्दों पे। जैसे आप बात कर रहे हैं धान के बोनस की या कर्ज माफी की, इसका फायदा किनको मिला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो औसत किसान है वो सब 5 एकड़ से नीचे भूमि वाले हैं। अब अगर आप कर्ज माफी की बात करते हैं, तो जो सहकारी बैंक हैं, इनकी राशि का ज्यादातर इन्हीं बैंकों की राशि का कर्ज माफ किया गया है। इसका फायदा केवल बड़े किसानों को मिला है, छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी लघु एवं सीमांत किसानों की है, जिन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला है। काफी सारे छोटे किसानों का भी कर्ज माफ हुआ है, छोटे किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन उनको फायदा बड़ा नहीं मिला है। बड़ा फायदा बड़े किसानों को ही मिला है, ऐसे किसानों को मिला है जिनकी 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ 22 एकड़ जमीन है, जिनकी 30 एकड़ जमीन है, एक परिवार में ही 70 80 एकड़ जमीन है, अलग अलग नाम पे खाते हैं, ऐसे घरों को कर्ज माफी का फायदा जरूर मिला है। लेकिन लघु एवं सीमांत कृषकों को इसका कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि जो ऋण की राशि मिलती है वो लगभग 7,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलती है, जिसमें एक हिस्सा खाद और आपका जो सहकारी बैंक से मिलने वाले बाकी के ग्रामीण बैंक से मिलने वाले बाकी के उत्पाद होते हैं उनमें कट जाता है। तो इस प्रकार से ये राशि काफ़ी कम होती है। अच्छा, जैसे एक और योजना है शासकीय कृषि भूमिहीन योजना, जिसमें 7,000 रुपये प्रति वर्ष मजदूरों को दिया जाता है, क्या लगता है ये जमीनी हकीकत पर कितनी सफल हो पाई है ये योजना? देखिए, जब हमने इस विषय में गांवों में लोगों से संपर्क करके, ग्रामीणों से संपर्क करके जब हमने इस विषय में पूछा था, तो लगभग 60-70% किसान ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है, और जिनको फायदा मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि विपक्ष अपनी भूमिका को पूरी तरीके से पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। आप अगर गाँव में जाएंगे तो जो लोग टीवी डिबेट में या सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं, ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी एक प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि ये शासन की उन योजनाओं में से है जो शासन अपने कार्यकर्ताओं को या अपने वोटर वर्ग को फायदा देने के लिए शुरू करती है। बेरोजगारी भत्ता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे बीजेपी घेर रही थी। अभी बेरोजगारी भत्ता तो सरकार द्वारा दिया जा रहा है बेरोजगारों को। देखिए, बहुत सारे नियम कानून के साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, और प्रदेश में युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस लाभ से वंचित है। तो इसे शासन भले अपने पक्ष में प्रचारित करे, लेकिन इसका लाभ अगर जमीनी स्तर पर आप देखें तो इसका विरोध बहुत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। जैसे बेरोजगारी भत्ता वाला जो मुद्दा है, आपने चुनावी वर्ष में शुरू किया है, उसमें भी दुनिया भर के सारे नियम कानून कायदे आपने लगा दिए हैं जिन्हें पूरा करना एक बेरोजगार युवा के हिसाब से काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत पक्ष में काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या लगता है तो कितनी सीट आ सकती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, क्या फिर से सरकार बनाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में चूँकि विपक्ष की भूमिका जो है वो जिस प्रकार की होनी चाहिए, वैसी भूमिका में विपक्ष दिख नहीं रहा है। और टिकट वितरण को लेकर अभी जो एक संभावित सूची जारी हुई है, तो जिस प्रकार की विरोध की स्थिति पार्टी कार्यकर्ताओं में आप लगातार देख रहे हैं कि कभी पार्टी कार्यालय में विरोध हो रहा है, कभी विधानसभाओं में विरोध हो रहा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का डैमेज कंट्रोल सही तरीके से नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। कितनी सीटों से बनाने में सक्षम हो सकती है, ये एक विषय होगा। हो सकता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 46 से 50 के बीच में सीटें ला के सरकार बनाती थी,
वैसी स्थिति में सरकार बने, या फिर ये हो सकता है कि नेक टू नेक की फाइट रहे। अब जैसे आप देखिए कि मुकाबला बहुत रोचक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक सवाल जो आप छोड़ रहे हैं और या शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, TS बाबा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ शासन में, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे दिया था, पंचायत विभाग से, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग उन्होंने अपने पास रखा था और पंचायत विभाग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बाद में डैमेज कंट्रोल के नाम पे TS बाबा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे TS बाबा जो सभाओं में बात कर रहे हैं या TV डिबेट में बात कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि TS बाबा की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। TS बाबा अभी भी विपक्ष से ज़्यादा अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। जैसे मोदी जी की सभा जो रायगढ़ में हुई थी उसमें TS बाबा ने स्वीकार कर लिया था कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, जिसके लिए बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्टी की बैठक में माफ़ी भी मंगवा लिया था TS बाबा जी से। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने GST काउंसिल की है ये मैटर पे जो लगातार राज्य शासन घेरती रही है कि केंद्र सरकार से GST क्षतिपूर्ति का पैसा हमको नहीं मिलता है। TS बाबा ने स्वीकार कर लिया कि आज की स्थिति में 1 रुपया भी GST क्षतिपूर्ति का बकाया नहीं है। उसके बाद कुछ समय पहले TS बाबा ने सरगुजा में भाषण में स्पष्ट रूप से अपने विरोधियों को चेतावनी देते हुए ये बताया था कि जिन लोगों ने राजनीतिक जीवन से अतर मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया है उनको मैं किसी भी प्रकार से माफ नहीं करूंगा। फिर अभी हाल ही में TV डिबेट में TS बाबा ने अपनी ही सरकार की घोषणा पत्र में की गई उन मांगों को पूरा ना करने की बात मान ली जो महत्वपूर्ण विषय थे जिनको पूरा किया जाना था, जैसे शराबबंदी भी उनमें से एक विषय था। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो मुझे लगता है कि असंतुष्ट तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग भी है और अगर भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से प्रयास करे तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। क्या लगता है भूपेश, TS सिंहदेव की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस बतौर मुख्यमंत्री उनका चेहरा इस बार उतार सकती है, क्या उनको मौका देना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पर उन्हें अवसर तो मिलना चाहिए था। अगर 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हुई थी तो उन्हें 2.5 साल का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। TS बाबा कांग्रेस में शालीनता और बोलना चाहिए एक कुशल राजनीतिक की पूरी क्षमता उनमें दिखती है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से दौरा करते हुए, जिस प्रकार से जनसंपर्क करते हुए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हुए उन्होंने संगठन में और कार्यकर्ताओं के मन में एक नई जान फूंकी थी, तो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहले तो अवसर उन्हें ही मिलना चाहिए था, ये कांग्रेस के ही लोग कहते हैं। और देखिए TS बाबा का जो आचरण है शालीनता वाला कहिए या अगर हम ये कहें कि राज परिवार से आने के कारण राज परिवार की जो उनके आचरण में एक गौरवशाली झलक मिलती है वही कारण है कि उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का अभद्र आचरण या अभद्र भाषाशैली का प्रयोग अपनी पार्टी या अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध में नहीं किया है और लगातार वो पार्टी के सम्मान के कारण झुक के रहे हैं। और इतने वरिष्ठ व्यक्ति को अगर आप अवसर नहीं देते हैं, अवहेलना करते हैं, अगर उसकी फाइल रिव्यू के लिए जो राजनीतिक हलकों से बात सुनने में आती है कि TS बाबा की कोई भी फाइल सीधे उनके साइन से काम नहीं होता था, उनकी फाइल रिव्यू होने के लिए CM के पास जाती थी और फिर उसके बाद CM के अप्रूवल के बाद ही उनकी फाइलों पे काम किया जाता था। तो देखिए ये सारी ऐसी बात है जिनका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब ऐसी बातें चर्चा में जाती हैं तो कहीं ना कहीं इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व का मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा नाराजगी का भाव भी आता है। तो क्या लगता है आपको, क्या बगावत कर सकते हैं TS सिंहदेव? देखिए इस विषय में मुझे लगता है कि वो बगावत अभी तक उन्होंने नहीं की है और बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में रहती हैं, तो इस विषय में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी।